वेलकम टू माई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को चालू किया था, तो आज हम यहाँ पे जनरल साइंस को पढ़ेंगे, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटर यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र यह संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अल्टीमीटर यह उड़ने हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ऊंचाई बढ़ाने पर वायुमंडलीय दाब में होने वाली कमी के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद एयरोमीटर यह वायु एवं गैस का भार व घनत्व मापने वाला यंत्र है। उसके बाद एक्टिनोमीटर यह सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसके बाद एंटीनोमीटर यह सौर विकिरण मापी यंत्र है। इसके बाद टर्मोमीटर यह वाष्पीकरण मापने मापी यंत्र है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एक्सीलीरोमीटर यह गति वाहकों की गति में वृद्धि की दर त्वरण मापने वाला यंत्र है। इसके बाद एनीमोमीटर यह बहते हुए वायु की गति शक्ति मापने वाला यंत्र है। इसके बाद अमीटर यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसके बाद एयर कंडीशनर यह किसी कमरे के ताप आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। उसके बाद एपिस्कोप यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम आता है। उसके बाद ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता मापने वाला है। उसके बाद ऑडियोफोन यह एक श्रवण सहायक यंत्र है जिसकी इसे कम सुनने वाले व्यक्तियों को कान में लगाते हैं। तो बने रहिए माई इंडिया चैनल के साथ। माई इंडिया चैनल आपके साथ लगा हुआ, कुछ करना नहीं है, बस आपको बनना है और बाकी मेरा काम है पूरी वीडियो को ख़त्म करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि आरिस्कोप तो यह कान के आंतरिक भागों की जांच करने के काम आता है। उसके बाद बैरोमीटर तो यह वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। उसके बाद बैरोग्राफ तो यह वायु दाब लेखी है, वायुमंडलीय दाब के में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र है। उसके बाद बाइनोकुलम यह दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। उसके बाद बोलोमीटर यह ऊष्मीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने वाला यंत्र है। तो बने रहिए और बस हम धीरे धीरे करके पूरी श्रृंखला खत्म कर देंगे और उसके बाद ही आप कुछ कहिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर यह गोली वस्तुओं का व्यास व गहराई मापने वाला यंत्र। उसके बाद कार्बोरेटर या पेट्रोल से चालित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। उसके बाद कैलोरीमीटर यहाँ पे ऊष्मा मापी या ऊष्मा की मात्रा मापने वाला उपकरण। उसके बाद क्रोनोमीटर यह पानी के जहाज के सटीक समय ज्ञात करने वाला उपकरण है। तो ये हम चालू करेंगे और बने रहिए। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बिना पूछे ये श्रृंखला हम चालू किए हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो चालू रखेंगे, नहीं फिर बंद कर देंगे। क्योंकि कैथेटोमीटर या ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। उसके बाद कल्यूटेटर दिग परिवर्तन यंत्र या विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र है। उसके बाद दिग सूचक या चुम्बकीय सुयुक्त एक भाग था जो दिशा ज्ञात करने के काम में आती है। उसके बाद कायरोमीटर या निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है जिससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आसपास का ताप मापा जाता है। उसके बाद गणक या गणती क्रिया करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उसके बाद सेलफोन या मोबाइल फोन तो यह बैटरी सेल में संचालित ऐसा फोन है जिसे किसी भी ले जा सकता है और वह बातचीत निर्धारित रूप से जारी रखा जा सकता है। इसमें ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के बाद तार के बजाय सीधे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रेषित किया जाता है जिसे लक्षित मोबाइल रिसीवर द्वारा रिसीव किया जा सकता है। उसके बाद संगणक या गणितीय व तार्किक सभी तरह की गणनाएं करने में सक्षम है जिसका प्रयोग आज प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन यह आवेशित कणों यथो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरण करने वाले
यंत्र है। तो बीच बीच में मोटिवेशन आपको देते रहेंगे, और चैनल ना सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, फ़ायदा आप ही को होगा। अब चाहे उसे मुखर्जी नगर तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, चाहे जहाँ पे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गांव में हो चाहे जहाँ पे है, मेन यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे। और थोड़ी सी जो टेक्निकल साउंड वगैरह की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही आप कितना अच्छा से पढ़ रहे हों, लेकिन इस चैनल पे उससे भी ज़्यादा बढ़िया हम देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद साइकोट्रोट्रान या कृत्रिम मोशन उत्पन्न करने वाला यंत्र, विभवमापी है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने वाला यंत्र। इसके बाद डिक्टाफोन या ध्वनि जैसी बातचीत रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है। इसके बाद डायनमो या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद इसका उपयोग विद्युत जनित्र में होता है। इसका डेनियल सेल या विद्युत परिपथ में दृष्टि धारा प्रवाहित करने वाला उपकरण है। इसके बाद घनत्व मापी या किसी पदार्थ का घनत्व मापने वाला यंत्र है। तो बने रहिए, और धीरे धीरे बस यहाँ पे आए हैं तो धीरे धीरे कुछ लाभ यहाँ से आपको ज़रूर ही मिलेगा। और ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप कुछ दिन इस कोचिंग, कुछ दिन उस कोचिंग, उसके बाद कहेंगे साहब बेकार है। तो बने रहिए और यहाँ से जो लाभ हो सकता है उसको उठाते रहिए। इसके बाद डिलेक्टोमीटर या पदार्थों के आयनन में होने वाली परिवर्तनों को मापने वाला यंत्र। इसका डीप सर्किल, तो यह यंत्र की सहायता से किसी स्थान के नतिकोण को मापने में ज्ञात किया जाता है। उसका डायनोमीटर, यह बल आघूर्ण अथवा शक्ति को मापने वाला यंत्र। इसका विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इसका आवेश मापी, यह विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र। इसके बाद इलेक्ट्रो इलेफिसीफेलोग्राफ या मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला उपकरण। इसके बाद इलेक्ट्रोमीटर या विद्युत आवेश विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र। इसके बाद इवेपोरीमीटर, तो यह वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर मापने वाला यंत्र है। इसके बाद इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। यह लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रभाव एक और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था की जाती है। इसका उपयोग चिकित्सा शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए किया जाता है। इसमें मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसके बाद उड़न अभिलेखी, यह वायुयान में उड़ान के दौर विभिन्न सूचकों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। दुर्घटना होने पर किसी की सहायता के कारणों की जांच की जाती है। यह अत्यंत मजबूत है, प्रायः नारंगी रंग का मनाया जाता है। इसके बाद फाइदोमीटर या समुद्री नदी इत्यादि की गहराई मापने वाला यंत्र। इसके बाद फ्लक्स मीटर, तो बने रहिए, धीरे धीरे हम ख़त्म करेंगे। ज़्यादा परेशान मत हो जाइए, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, रेलवे, सब हो जाएगा। और ये जनरल साइंस है, सब में काम आता है। तो रेलवे वाले भी जुड़े हों तो देख लीजिए, कहेंगे तो पूरा एक की वीडियो में हम करंट अफेयर दे देंगे पूरी लेंदी वाला। बस आप सब बने रहिए। इसके बाद फ्लक्स मीटर या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव मापने वाला उपकरण। उसके बाद अग्निशामक, यह एक अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन भरा होता है, जो वायु के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगती है और आग बुझ जाती है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, तो गैल या किसी परिपथ में धारा की दिशा विभवांतर मापने वाला यंत्र। उसके बाद ग्रामोफोन या रिकॉर्ड ध्वनियों को सुनने के काम आने वाला उपकरण। उसके बाद गायरोस्कोप या पूर्ण यह घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है।
तो बने रहिए, धीरे धीरे इंजॉय लेते रहिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी फ़ायदा आपको होगा। और रही बात तो हम पूरी वीडियो और अच्छे से भी बनाना स्टार्ट, थोड़ा सा हम इस समय बिजी रहते हैं, और पूरी मास्टर वीडियो कहेंगे या बिग वीडियो हम तो बोलते हैं, मास्टर वीडियो के बिग वीडियो आप भी बोला कहिए, तो बिग मतलब बड़ा वाला वीडियो, तो बिग वीडियो, और धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, जिसे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग रेंगिंग रेडियो अभिज्ञान तथा पराशन, इसके बाद मैनोमीटर किस काम आता है, तो गैसों का वायुमंडलीय दाब, जो कि चंडीगढ़ ASM 0.3। इसके बाद मैनो कैरोमीटर क्या कार्य, तो सोना की शुद्धता मापता है। उसके बाद लक्स मीटर किसी विद्युत को मापता है, जो कि प्रकाश की तीव्रता मापता है। उसके बाद दूर स्थित वस्तुओं के ताप किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो उसके बाद पायरोमीटर। उसके बाद परमाणु बम की खोज, तो ऑटो हान ने। उसके बाद प्ले गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो बेलनों में छिद्र को मापने में, जो कि RRB रांची असिस्टेंट ड्राइंग परीक्षा में पूछा हुआ है, तो रेलवे के लिए। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला हम चला रहे हैं। उसके बाद अल्टीमीटर आप कहेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, और आप ही सबके प्यार हमको खींच लाता है यूट्यूब पे, और बने रहिए, धीरे धीरे हम यहाँ पे आपको सपोर्ट देते रहेंगे, बस आप सब भी कुछ इसको सपोर्ट दीजिए चैनल को। उसके बाद अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उड़ते समय विमान की ऊंचाई मापने में, जो कि UPPCS में। उसका रडार का उपयोग किस के लिए किया जाता है, तो जहाजों युद्ध विमानों को आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देशन में, जो कि RRB इलाहाबाद ASM 07, तो जो है पूछा हुआ है। इसका सोनार मुक्त किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, समुद्री यात्रियों द्वारा, जो कि दिया हुआ है RRB चंडीगढ़ परीक्षा 2000। सोनार का पूरा नाम साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रिंगिंग, तो नेविगेशन एंड रिंगिंग। उसके बाद ग्रेविमीटर, यह पानी में तेल की मात्रा ज्ञात करने वाला उपकरण। उसके बाद हिप्सोमीटर, यह ऊंचाई दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई की मात्रा मापने वाला यंत्र। उसके बाद हाइग्रोमीटर, यह किसी द्रव की अपेक्षा घनत्व मापता है। उसके बाद हाइड्रोफोन, यह जल जल के भीतर ध्वनि मापता है। उसके बाद हाइग्रोमैनोमीटर, यह वायुमंडलीय आर्द्रता। उसके बाद इन्वर्टर, यह एक विद्युत सर्किट है जो दिया हुआ है, तो उसको लेते रहिए। दृष्टि धारा या डायरेक्ट करंट, जिसे DC बोलते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट AC में परिवर्तित करता है। उसके बाद लैक्टोमीटर, तो इसमें द्रव की अपेक्षा घनत्व या गाढ़ा मात्रा पाया जाता है, इसके आधार पर इससे दूध की शुद्धता मिल जाए गए जल की मात्रा ज्ञात की जाती है। उसके बाद लाउड स्पीकर, इसमें ध्वनि की तीव्रता बढ़ाई जाती है। उसके बाद तड़ित चाल, इसमें आकाशीय बिजली तड़ित से भवनों की सुरक्षा हेतु भवन के ऊपर लगाया जाता है, इसकी तड़ित आवेश को भूसंपर्कित कर दिया जाए। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी, या सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने वाला यंत्र है। उसके बाद माइकमीटर, या ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति बताने वाला यंत्र है। तो बने रहिए, और धीरे धीरे हम खत्म करें। उसके बाद मैग्नेटोमीटर, यह चुंबकीय क्षेत्र की माप करने वाला है। उसके दाब मापी, इसे गैस का दाब मापा जाता है। उसके बाद माइक्रोमीटर, यह अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर के हजारवें भाग तक की माप करने वाला यंत्र है। उसके बाद माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण। माइक्रोटोप, या किसी विद्युत को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आने वाला यंत्र है। उसके बाद नेफोस्कोप, इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व गति की दिशा का मापन किया जाता है। उसके बाद ऑडियोमीटर, या किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र। उसके बाद
मीटर यह विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। ओडोमीटर यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र। प्रेक्षक यह किसी फिल्म के दृश्य को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित कर दर्शाने वाला उपकरण। हीलियोमीटर यह सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है, जो कि UPPCS 15 दिया हुआ है। ज्ञात और सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग लाए जाते हैं, एक पाइर हीलियोमीटर एक पाइर नोमीटर। पेरीस्कोप यह पानी के अंदर से पानी के बाहर के दृश्य को देखने के काम में आता है। इसका प्रयोग प्राय पनडुब्बियों में किया जाता है। पायरोमीटर तो यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। तो बने रहिए और धीरे धीरे हम सब खत्म कर रही बात तो साउंड वगैरह की जो प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा। तो यह पायरोमीटर यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने काम आने वाला उपकरण के सूर्य तारे आदि इसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है। पोटेंशियोमीटर यह तीन सिरों वाला एक प्रतिरोध होता है, जिसमें दो सिरे नियत होते हैं और इन सिरों के बीच तीसरा सिरा परिवर्तित होता है। यह यंत्र का प्रयोग विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने में प्रयुक्त किया जाता है। पीकोमीटर यह दड़ों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र। फोटोग्राफिक कैमरा तो यह विद्युत वस्तु को फोटो खींचने वाला उपकरण। फोनोग्राफ यह ध्वनि लेखन व पुनर्उत्पन्न के काम आने वाला यंत्र। फैनोमीटर यह प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। फोटोमीटर यह विभिन्न प्रकार के स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण है। तो चैनल ना सब्सक्राइब किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फायदा निश्चित होगा इस चैनल से। कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाएंगे। मुखर्जी नगर वो 10 साल बिता लिए, इलाहाबाद में 5 साल, पटना में 5 साल, उसके बाद कानपुर में 10 साल, तो कोई मतलब नहीं निकला। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए और देखिए तुरंत मतलब निकलने लगेगा। उसके बाद सीस्मोग्राफ क्या मापता है, तो भूकंप की तीव्रता, जो कि लोअर PCS में आया है, UP लोअर PCS बोलते हैं। उसका अमीटर का क्या कार्य, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करता है। टैकियोमीटर किस काम में आता है, तो वायुयान व मोटर की गति मापने के। उसके बाद समुद्र तल में समुद्र की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो अल्टीमीटर। उसके बाद हाइग्रोमीटर से किस राशि की का माप किया जाता है, तो वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को, जो कि RRB रांची TCTCC 2006। उसके बाद हाइग्रोमीटर किस काम में है, तो किसी द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के। उसके बाद पोटेशियोमीटर किस राशि की मात्रा, तो विभवांतर। उसके दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता, तो लैक्टोमीटर। प्रति शीतलक के ताप कैसे कम किया जाता, द्रव अमोनिया के वाष्पन से। उसके बाद स्क्रूगेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जाए, तो मिली के हजारवें भाग तक। उसके बाद पोलीग्राफ या झूठ पकड़ने वाला उपकरण है, तो झूठ बोलेंगे तो पोलीग्राफ द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो उसके बाद साइकोमीटर या सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। उसके बाद क्वाड्रेंट या ऊंचाई को वह कोण मापने वाला उपकरण। उसके बाद रडार, इसकी सहायता से दूर वस्तु स्थित वस्तुओं को वायु वस्तुओं उसके बाद दिया वायुयान युद्ध विमानों की दूरी व स्थिति का पता लगाया जाता है। उसके बाद रेडिएटर या स्वचालित वाहन में के इंजन ठंडा रखने के काम में। उसके बाद रेडियोमीटर यह भी किरण को मापने वाला यंत्र है। तो बने रहिए, तो यहाँ पे रेडियो तो विकिरण मापने। इसके बाद रेक्टिफायर यह एक वैद्युत युक्ति है, जो प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट AC को DC धारा में परिवर्तित करती है। तो UPSC वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई ज़रूरत थोड़ी ना रे कि यानी यही सब आता है UPSC में। अच्छे दिमागदार मुखर्जी नगर 10 साल 20 साल पता नहीं क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता।
तो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बाद देखिए कि क्या है यूपीएससी, तो बने रहिए। और रेलवे तो रेलवे वाले भी यूपीएससी वाले को चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रति शीतलक या किसी स्थान या कक्ष को ताप को कम करने के काम आने वाला उपकरण रेनगेज, तो वर्षा मापी, इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर, इसकी सहायता से किसी वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। सेलिनोमीटर या किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र। टोलेरीमीटर या सौर विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र। सैक्रीमीटर या किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता को मापने वाला यंत्र है। तो बने रहिए, और धीरे धीरे चैनल पे आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा आप ही को होगा। उसके बाद सेलेक्सा क्या है, तो ऊर्जा सौर, तो पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए, रही बात तो सब जनरल साइंस। उसके बाद सी टेट, सुपर टेट, तो उस उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस आप बने रहिए, तो आइए वीडियो और आगे ले जाए। उसके सोलेक्सा क्या है, तो सौर ऊर्जा चालित रिक्शा है। तो एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ कहा प्रयुक्त होता है, तो टेलीफोन में। तो उसके बाद यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अत्यंत टेलीविजन स्क्रीन पर देखा व पढ़ी जा सके तो यह तकनीक को क्या कहते हैं, तो टेलीफैक्स। उसके बाद नेफोस्कोप को क्या उपयोग है, तो उड़ते बादलों की गति की दिशा मापना, तो जो कि RRB कोलकाता ASM 05। उसके बाद फैदोमीटर, तो समुद्र की गहराई। तो उसके अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उसके बाद आर्डियोमीटर व एनीमोमीटर से क्या में क्या अंतर, आर्डियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापना जबकि एनीमीटर वायु की गति। उसके बाद प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया, तो कार्ल बेल्जर ने। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार, तो यहाँ पे जोसेफ एसपी डीन। उसके बाद सौर प्रणाली की खोज केपलर ने। आटोहान किस आविष्कार के प्रसिद्ध थे, तो परमाणु बम। उसके बाद जड़त्व का नियम किसने, तो गैलीलियो। तो इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम किससे प्रतिपादित किया, तो सीवी रमन, जो कि IAS परीक्षा में पूछा हुआ। उसके बाद स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर, तो ध्वनि के परावर्तन। उसके बाद वह उपकरण कौन सा जिसका प्रयोग हवा का वेग में के बल को मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमीटर। उसके जहाज के मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो क्रोनोमीटर। उसके बाद चूँकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो BPSC में आया हुआ है, और सब इम्पॉर्टेंट है, बस आप बने रहिए। उसके बाद विद्युत बलों का फिलामेंट, तो टंगस्टन। उसके बाद परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित है, सीरीजियम 133। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, तो क्वालूर में है। तो बने रहिए, चैनल ना सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा आप ही को होगा। उसके बाद सेक्टेट या दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने वाला यंत्र, इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए। इसके स्क्रू गेज, इसकी सहायता से महीन तारों की व्यास ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी, इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता की मापी। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की विश्लेषण करने वाला यंत्र। उसके बाद स्पीडोमीटर, इसकी सहायता से गतिमान वाहन की गति मापने वाला यंत्र है। तो बने रहिए, हो जाएगा। उसके बाद विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। उसके आधुनिक निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। उसके विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडी की दिवस 14 अप्रैल। इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व औद्योगिक दिवस 11 अप्रैल। इसके बाद विश्व संचार दिवस 17 अप्रैल। अभियंत्रा दिवस 15 सितंबर। इसको ओजोन पर संरक्षण 16 सितंबर। इसके विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। इसके रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 सितंबर। इसके बाद
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण तो 14 दिसंबर, तो उसके बाद और आगे आएंगे और आप बने रहिए। तो उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स जॉनसन ने। उसके बाद फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता था, तो केसी कत्तू। उसके बाद कार्बोरेटर का क्या कार्य करता, इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ तीव्रता से उच्च द्रव में प्रेषित करना। उसके बाद अंतरिक्ष कीड़ों की खोज, तो हेस ने। उसके बाद उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम है, तो ब्लैक बॉक्स। उसके बाद विज्ञान दिवस 28 फरवरी को की उपलक्ष में मनाया जाता है, तो इस दिन को वैज्ञानिक सी वी रमन की प्रभाव खोज की थी। उसके बाद पृथ्वी दिवस का संबंध किन चीज़ें, तो पर्यावरण से। उसके बाद राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान दिवस 28 फरवरी, जो कि लोअर पीसीएस में 2, 3, 4 ऐसा पूछा हुआ है, इसको छोड़िए, बस आपका हो जाए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कि 1988 में किस की जन्मतिथि मनाई गई थी, तो सी वी रमन की। उसके बाद ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर, उसके 14 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो उसके बाद परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय है, तो बी ए तनाम में है। उसके बाद भारत का प्रथम परमाणु का क्या नाम था, तो अप्सरा 1965। उसके बाद स्फेरोमीटर या विद्युत वक्री पृष्ठ के वक्रता मापने के काम में। इसके बाद स्टोबोस्कोप या किसी आवर्त गति करने वाली गति वस्तु गति मापने का काम, चूँकि रेलवे में पूछा हुआ है तो रेलवे का जो है उसको भी सब लेते रहे। उसके साबरमीन या समुद्र के अंदर डूबकर चलने वाला जल यान है। उसको ट्रैकोमीटर, तो ट्रैकोमीटर या वायुमंडल की गति मापने वाला यंत्र। उसके रॉकेट या किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचाने वाला प्रेषक है। तो आज के लिए इतना, थैंक फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। बार बार कहते हैं, अब कोई लिख के तो दे नहीं सकते कि, या आपको दिल में कोई बैठ नहीं सकता। तो अगर भाई यार अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करे। तो जय हिंद जय।